हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संतोष कुमार आज एक और नई क्लास के साथ, और आज का टॉपिक अपने पास है बायो सावर्ट लॉ। देखो, बायो सावर्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए एक लॉ दिया फॉर करंट कैरिंग कंडक्टर। इन्होंने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया। इस तरीके से अपने पास इनफिनिटी लेंथ हो सकती है इसके लिए। अब देखो, इसको इस तरीके से आगे बढ़ा दिया अपन ने। ये पॉइंट इसका एक्स और ये ले लिया अपन ने वाई, और करंट फ्लो डायरेक्शन अपने पास हो गई एक्स टू वाई। इन्होंने एक एलिमेंट लिया यहां, स्मॉल एलिमेंट डीएल, और डीएल के मिड पॉइंट से ये अपने पास हो गया, और यहां से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया बी, वेयर वी फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डीएल एंड आर वेक्टर के बिटवीन जो एंगल है वो उन्होंने थीटा लिया, सपोज कर लेते हैं। और यहां देखो, इसकी डायरेक्शन कैसे होगी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, इनवर्ड इनवर्ड, और यहां देखो ये देखो आउटवर्ड आएगी, और ये होगी आउटवर्ड। इसको पी नाम दिया, तो इसको अपन देते हैं पी डैश, और ये अपने पास डी। ठीक है, ये अपने पास एक्सपेरिमेंटल है। तो अब देखो मैग्नीट्यूड अपन फाइंड आउट करते हैं। तो यहां देखो एलिमेंट है अपने पास, स्मॉल एलिमेंट है, तो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होगा, स्मॉल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ। तो इन्होंने देखो क्या बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू करंट फ्लो इन द कंडक्टर। इट मीन्स डीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फर्स्ट। सेकेंड, डीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एलिमेंट, लेंथ ऑफ एलिमेंट डीबी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड, इन्होंने क्या बताया, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल, एंगल कौन सा, थीटा अपने पास। तो डीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। फिर इन्होंने थर्ड क्या कहा, सॉरी फोर्थ, डीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी, मिड पॉइंट ऑफ एलिमेंट एंड पॉइंट पी। देखो, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड इक्वेशन फोर, डीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो, जब भी अपन प्रोपोर्शनल को डायरेक्ट इक्वल टू में चेंज करते हैं तो अपने पास कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। डीपी इज इक्वल टू के आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, वेयर के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और के इज इक्वल टू अपने पास होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसकी न्यूमेरिकली जो वैल्यू होगी वो होगी 10^-7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, वेपर पर एम्पियर मीटर, वेपर पर एम्पियर मीटर, और वेपर पर
एम्पियर इंटू मीटर, और क्या बोल सकते हैं, टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर, टेस्ला के फॉर्म में रखें तो इसको टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर, ठीक है। म्यू नोट क्या है यहाँ, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नोट अपने पास क्या है, म्यू नोट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नोट अपने पास परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखो ये तो अपने पास वैक्यूम की बात थी, अब इफ मीडियम परजेंट अराउंड द कंडक्टिंग वायर देन वो यहां कर रहा हूं, एक मीडियम प्रेजेंस, तो देखो अपन क्या कर सकते हैं, मीडियम की प्रेजेंस में देखो डीपी इज इक्वल टू अपने पास फिर क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, वेयर म्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ मीडियम, प्रोबेबिलिटी ऑफ मीडियम, प्रोबेबिलिटी ऑफ मीडियम। देखो अपने पास म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू अपॉन म्यू नॉट, देन म्यू इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट म्यू आर, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ, देखो यहां से ऑफ मीडियम अपन बात करें, यहां देखो ये वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं अपन, तो डीपी इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये अपने पास क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। अब अपन देखो वेक्टर फॉर्म की अपन बात करें, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट लॉ, तो देखो वेक्टर फॉर्म में अपन इसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे मैं आपको बताता हूं। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट्स लॉ, वेक्टर फॉर्म में इसको देखो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो डीबी इज इक्वल टू अपने पास देखो डीबी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है अपने पास, करंट अपने पास कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, ये अपने पास एलिमेंट हो गया वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, अब देखो साइन थीटा था इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, ये अपने पास सभी क्या है स्केलर, तो यहां अपने पास क्या जाएगा आर कैप, आर कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर जो किसको रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, देखो यूनिट वेक्टर अपने पास देखो अपने पढ़ा था 11th क्लास में, यूनिट वेक्टर था अपने पास आर कैप इज इक्वल टू वैक्टर ऑफ आर अपॉन मोड ऑफ आर, ये अपन इसमें करते हैं देखो, देन डीपी इज इक्वल टू अपने पास क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल आर वैक्टर अपॉन आर क्यूब, ये अपने पास वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट
लो। यह आज का अपना टॉपिक है बायो सावर्ट लो। किसी को कोई टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो कमेंट्स करें। टॉपिक आपको समझ में आया हो, वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉज के साथ। बाय।